Hello guys, how are you? मेरा नाम है फावत। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। अरे भाई, मैं बहुत दिनों के बाद ज़बरदस्त किस्म का सॉन्ग लाया हूँ जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सॉन्ग्स पे रिएक्शन देना छोड़ दिया था, मगर इस सॉन्ग ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं रिसेंटली ड्राइविंग कर रहा था, किसी जगह जा रहा था और BBC एशिया नेटवर्क पर ये सॉन्ग चला और सॉन्ग इतना ज़बरदस्त लगा मुझे कि मैं इंस्टेंटली उसको गुनगुनाने लग गया। मुझे नहीं पता था कि ये इसके लिरिक्स क्या है, ये एक्चुअल गाना क्या है, लेकिन ट्यून वॉज सो अमेजिंग। मैं तो भाई फ़ैन हो गया इस सॉन्ग का। फिर रिसेंटली मैंने जाना भाई ये सॉन्ग तो एक किस्म का वायरल हो चुका है, सेलिब्रिटीज़ इसके ऊपर अपने लिप सिंगिंग कर रहे हैं, डांस ठुमके शुमके कर रहे हैं भाई। टिकटॉक से लेके रील तक हर कोई इसको गुनगुनाने में लगा हुआ है और बेहतरीन किस्म का सॉन्ग निकल का है काफ़ी अर्से के बाद। श्रीलंकन सॉन्ग है, मानिका मागे नीते, यस सॉन्ग का टाइटल है, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है यू आर इन माई हार्ट बेब। इतना तो पता है ना यार, जब मैंने ये सॉन्ग सुना था ना, मुझे ऐसा लगा था कि ये तमिल या साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन का सॉन्ग होगा, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड ये श्रीलंकन सॉन्ग है और उसको गाने वाले हैं युहानी और सतीशन। मेरे ख्याल में मैंने उनका नाम सही लिया है, अगर गलत लिया है तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। लेकिन ये सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों ने शायद ऑलरेडी सुन लिया होगा, तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए चलिए मिलके ये सॉन्ग देखते भी हैं सुनते भी हैं। Like a fire burning. Neriye numbe na ke mage nenne ha me hayabi. Si baby. Ma itala gama devatena guru prema ka patalena tuanari manhari sukumali numbatama itala gama devatena guru prema ka patalena tuanari manhari sukumali Okay, I have to pause it just because of the rapping of Satishan. It's brilliant rapping और जो एक combination, एक fusion बन के आया है ना, बहुत अच्छा आया है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑडियो सुनी थी ना सॉन्ग की, तो मैंने बोला यार ये रैप डाल के थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, बट आई थिंक इट्स जल्स रियली वेल विद द सॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। वाओ यार, छोटा सा सॉन्ग, बस कहते हैं ना कि जो अच्छी चीज़ होती है वो कम मिकदार में ली जाए ना तो उसका मज़ा दोबारा हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ओवरडोज कर दिया जाए किसी अच्छी चीज़ से वो फिर बोर लगने लगती है। तो इस सॉन्ग के साथ भी यही है, बिल्कुल ज़बरदस्त 2 मिनट 41-45 सेकंड का आपको ये सॉन्ग दिया गया और
इस पौने 3 मिनट के अंदर आप इतने खो जाते हो, आपको इतना मज़ा आता है ये सॉन्ग सुनने में, दिल करता है कि बस इसको रिपीट मोड में चलाते रहो। योहानी की सिंगिंग बहुत इनोसेंट है, बहुत ऑनेस्ट है, नई सिंगर है ना, तो इस वजह से बहुत ऑनेस्ट है। आई होप के शी विल स्टे द सेम, मगर उसकी जो आवाज़ है ना वो बस कानों में सुर भर देती है। जैसे आतिफ असलम शुरू में आया था ना, उसकी खनखनाती सी आवाज़ थी उस टाइप की, तो अच्छी लगती थी, थोड़ी डिफरेंट टाइप की। तो इसी तरह योहानी की बहुत क्लियर वॉइस है, आतिफ असलम जैसी नहीं बट बहुत क्लियर और इनोसेंट एंड ऑनेस्ट वॉइस है, तो मज़ा आता है सुनने में। तो इस सॉन्ग के अंदर 4 चांद भर दिए इसकी वॉइस ने। अगर ये कोई और गाता, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना ज़बरदस्त हिट हो पाता। साथ में जो रैपिंग की है सतीशन ने, सतीशन की रैपिंग अच्छी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑडियो सुना था BBC एशिया के ऊपर, तब मैंने बोला यार रैपिंग नहीं डालनी चाहिए, इतना ज़बरदस्त सॉन्ग है। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा आज ये सॉन्ग एज अ वीडियो, क्योंकि ऑडियो तो मैं सुन ही चुका था, मुझे बहुत मज़ा आया। लुक्स लाइक द बोथ जेल रियली वेल टुगेदर, तो मज़ा आया सुन के। म्यूज़िक के बारे में अगर बात करें तो बहुत सूदिंग है, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, एंड में आपको थोड़ी सारंगी सुनने में मिलती है, वो बहुत मज़ा आता है सुनने में, क्योंकि सारंगी इज़ वन ऑफ द फेवरेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइन, मुझे बहुत मज़ा आता है। सारंगी का कोई भी साज किसी भी सॉन्ग में छेड़ा जाए ना, मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में। तो ओवरऑल ये सॉन्ग टॉप नॉच है, बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा सॉन्ग सुनने को मिला है जिसको देखने भी मज़ा आ रहा है और जिसको सुनने भी मज़ा आ रहा है और रिपीट मोड पर चलाने का दिल कर रहा है। बहुत कम होंगे ऐसे सॉन्ग लास्ट 2 ईयर्स में। लॉकडाउन में भी मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स और रैप और पता नहीं कितने सिंगल्स के ऊपर रिएक्शन दिया है, मगर दिस वन माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब श्रीलंकन सॉन्ग है। इनिशियली मैं सोच रहा था कि हो सकता है ये तमिल हो या कर्नाटका हो या तेलुगु टाइप का सॉन्ग हो, बट नहीं, मेरे ख्याल में ये श्रीलंकन हो, श्रीलंका वाले तमिल ही बोलते हैं आई गेस, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो भी हूँ आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। एनीवेज आप लोग मुझे बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, और कोई अच्छा सा सॉन्ग है इस तरह का तो आप मुझे रेकमेंड कीजिए, मैं ज़रूर इस पर रिएक्ट करूँगा, आपको शाउट आउट भी मिलेगा। और आप चाहते हो कि मैं दोबारा सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दूँ, तो मैसेज करके या कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताना। मैसेज कहाँ पे करोगे? इंस्टाग्राम पर, इजी है, फॉलो करो, मैसेज करो, आई विल रिप्लाई यू। मैं किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देता अपने इंस्टाग्राम से, ये जो जो मुझे फॉलो करते हैं आप उनसे पूछ सकते हो। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।